तो दोस्तों टाटा आईपीएल का एक और डू और डाई मुकाबला जहां पे आरसीबी और सीएसके की टीम आमने सामने होगी, यानी कि इन दोनों ही टीमों में जो भी टीम आज के इस मैच को जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी और जो हारेगी वो सीधा बाहर हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इसी मैच की पूरी एनालिसिस, साथ ही साथ मैच प्रिडिक्शन, टॉस प्रिडिक्शन और ड्रीम इलेवन की फैंटेसी टीम सब कुछ आप सबके साथ लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार पॉइंट्स टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी पहले से ही जानते हैं पॉइंट्स टेबल के रेस में नंबर एक पे कलकत्ता है, नंबर दो पे राजस्थान, नंबर तीन पे हैदराबाद और नंबर चार का पोजीशन इस समय खाली है, जिसमें अभी दोस्तों नंबर चार पे चेन्नई की टीम है और नंबर सात पे बेंगलोर की टीम है। यानी कि अगर आज का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम जीत जाती है तो ये 14 अंकों के साथ सीधा नंबर चार पे पहुंच जाएगी। बाकी कुछ कंडीशंस है कि मतलब 18 रन से जीतना है और 19 ओवर से पहले शायद चीज़ वगैरह करना है, तो वो सब चीज़ें अगर फॉलो करेंगे तो नेट रन रेट में सुधार होगा और वो सीधा नंबर चार पे पहुंच जाएंगे। बाकी अगर चेन्नई की टीम जीती तो खैर ये सीधा 16 अंकों के साथ नंबर दो पर पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पे इनका नेट रन रेट इस समय काफ़ी अच्छा है और राजस्थान का नेट रन रेट इस समय काफ़ी मतलब सीएसके से तो कमी है, तो अगर सीएसके जीती तो ये 16 अंकों से सीधा नंबर दो पर पहुंच सकते हैं। तो बढ़िया मौका है दोनों टीमों के पास इस बार क्वालिफाई करने का। बाकी आज का जो मैच है दोस्तों ये होने वाला है आरसीबी के खूबसूरत ग्राउंड। देखिए यहाँ पे सबसे पहले वेदर कंडीशंस की बात कर लें और ग्राउंड की बात कर लें तो जिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच होगा और जैसा कि हम सभी फैंस को काफ़ी समय से इंतज़ार था इस मैच की, लेकिन बड़ी समस्या आज के इस मैच में बारिश की रहने वाली है। लेकिन अच्छी खबर यही है कि टेम्परेचर आज थोड़ा ठीक ठाक है, 26 डिग्री सेल्सियस की तापमान है। खैर बारिश हो या ना हो लेकिन ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी कि सेकेंड बैटिंग वाले को काफ़ी बढ़िया मदद मिलेगा। हालांकि आसमान में हल्की बादल भी है, बस देखिए फिलहाल ये कहना मतलब गलत होगा कि बारिश नहीं होगी, बस यही हम लोग चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि बारिश ना हो, पूरा का पूरा 20-20 ओवर का मैच हो, एक फेयर मैच हो और एक फेयर विनर मिले, ताकि मतलब लगे कि भाई हाँ मतलब सीएसके जीत के गई है या आरसीबी जीत के आगे गई है। बाकी आपको बता दूं आज का जो मैच है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबको बताया चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होगा। ओवरऑल यहाँ की बैटिंग पिच है, गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगा, तो अगर आप लोग ड्रीम इलेवन या फैंटेसी टीम्स बना रहे हैं तो तेज गेंदबाजों को अपनी टीम में जरूर शामिल करिएगा। वहीं पर ग्राउंड के ओवरऑल स्टैट्स की अगर बात कर लें तो देखिए अब तक टाटा आईपीएल की पूरे हिस्ट्री में 96 आईपीएल मैचेस इस मैदान में खेले गए हैं, जिनमें से फर्स्ट इनिंग की जो एवरेज स्कोर है यह है 169, सेकंड इनिंग की एवरेज स्कोर है 149, ग्राउंड की अब तक की सबसे हाईएस्ट टोटल है 287 रन, जो कि इसी सीजन हैदराबाद की टीम आरसीबी के खिलाफ बनाई थी। बाकी इस ग्राउंड पे हाईएस्ट चेज की गई स्कोर है 213, जो कि लखनऊ की टीम आरसीबी के खिलाफ चेज की, और लोवेस्ट डिफेंडेंट स्कोर है 106 रन, जो कि चेन्नई की टीम आरसीबी के खिलाफ डिफेंड की है। बाकी इस पिच पे जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उनके जीतने की संभावना 41% है, जो टीम पहले गेंदबाजी करती है उनके जीतने की संभावना 53 यानी कि 53% है। तो जो भी टीम टॉस विन करेगी पहले वो बॉलिंग करने का फैसला ले सकती है। बाकी दोस्तों इस ग्राउंड पे जो लास्ट के 2-3 मैचेस खेले गए हैं अगर उनकी बात कर लें तो देखिए इन सभी मैचेस में केवल एक मैच हुआ था, यहाँ पे 287 और 262 बनी थी और इस वाले मैच में हैदराबाद को जीत मिला था, यानी कि अपोनेंट टीम जीती थी। बाकी उसके बाद जो दो मैचेस हुए वो दोनों के दोनों मुकाबले रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम जीत हासिल की है। और एक और चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है कि उतना हाई स्कोरिंग नहीं रहा, जैसे कि अगर इस मैच की बात कर लें तो यहाँ देखिए गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन पे ऑल आउट हो गई थी, जबकि आरसीबी की टीम मात्र 13 ओवर और 4 गेंदों में 152 बनाई, लेकिन इनका भी 6 विकेट गिर चुका था। तो अगर ये पूरा 20 ओवर भी खेल लेती तो मुश्किल था कि मतलब 220 तक पहुंच पाती, क्योंकि विकेट काफ़ी कम इनके पास बचे थे। साथ ही साथ दोस्तों अगर इस मैच की बात करेंगे तो इस वाले मैच में तो खैर आरसीबी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 187 बनाई और दिल्ली की टीम 140 पे ही अगेन ऑल आउट हो गई, यानी कि आरसीबी अपने होम ग्राउंड पे बॉलिंग बहुत अच्छी कर रही है और हमेशा सामने वाली अपोनेंट टीम को जो है ऑल आउट कर रही है। और इसी वजह से आरसीबी के लिए बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव चीज़ है कि भाई मैच इसी मतलब इनके होम ग्राउंड में हो रहा है और साथ ही साथ इनके होम ग्राउंड पर इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया रहा है, बस एक ही दिक्कत है वो है रेन की। खैर आपको बता देना चाहूँगा कि इस समय अगर दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म की बात कर लें तो बेंगलोर की टीम काफ़ी मजबूत है, बैक टू बैक मैचेस विन कर रही है, जबकि चेन्नई की टीम एक मैच जीत रही है एक हार रही है, एक जीत रही है एक हार रही है, एक जीत रही है
तो क्या आज हारेगी? और हाँ, आपको बता दूं, ये जो जीत है ये वाले जीत से पहले भी मैच हारी थी, यानी कि ये अल्टरनेट यहाँ से चलता ही आ रहा है, और इसी वजह से बड़ा सवाल होता है कि क्या आज चेन्नई की टीम इस मैच को हारेगी या नहीं। खैर, ये इस बात का तो कोई तुक नहीं बनता, लेकिन फिर भी एक जस्ट एक लॉजिक कह सकते हैं। बाकी इस समय दोनों टीमों की हेड टू हेड की बात कर लें तो लास्ट के 10 मैचेस में 7 मैचेस सीएसके जीती है और 3 मैचेस आरसीबी जीती है, यानी कि हेड टू हेड के मामले में आरसीबी थोड़ी कमज़ोर है और सीएसके काफ़ी मजबूत है। वहीं पे लास्ट के अगर केवल 5 मैचेस की बात कर लें तो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए स्क्रीन पे देखिए, लास्ट के 5 में 2022 में आईपीएल 2022 में एक बार सीएसके को दोस्तों जीत मिला था, उसके बाद आरसीबी को जीत मिला था, उसके बाद दोनों मैचेस सीएसके जीती और उसके पहले वाले मैचेस भी सीएसके जीती है, यानी कि लास्ट के 5 में केवल एक मैच आरसीबी की टीम जीती, वो भी आईपीएल 2022 में, बाकी उससे पहले और उसके बाद सभी के सभी मैचेस सीएसके की टीम विन की है। और इसी सीजन आईपीएल 2024 का जो पहला मैच हुआ था वो दोस्तों सीएसके और आरसीबी के बीच में हुआ था और इस मैच को भी सीएसके की टीम विन की थी, आरसीबी 173 बनाई जबकि सीएसके मात्र 18 ओवर और 4 गेंदों में ही 176 बना करके रन को चेज कर ली थी। उससे पहले दोस्तों पिछले साल आईपीएल 2023 में जो मैच हुआ था वहां पे सीएसके की टीम देखिए 226 रन बनाई जबकि आरसीबी केवल 218 बना पाई, यानी कि चेज नहीं कर पाई थी। यानी कि मैच हाई स्कोरिंग हो या लो स्कोरिंग हो, सीएसके की टीम हमेशा जो है भारी साबित रही है बेंगलुरु के ऊपर। लेकिन इस समय बेंगलुरु के लिए 2-3 चीज़ें अच्छी बात है, सबसे पहले तो उनका होम ग्राउंड है, दूसरी चीज़ कि वो बैक टू बैक मैचेस विन करके आ रही है, और सीएसके की टीम उतनी लगातार कंटिन्यूस मैचेस नहीं विन कर पा रही है, एक जीत रही है एक हार रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आरसीबी को थोड़ी सी मजबूत बनाती है इस मैच के लिए। बाकी ओवरऑल अगर स्टैट्स की बात माने तो सीएसके की टीम काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। बाकी दोस्तों इस समय अगर आप लोग ड्रीम इलेवन या फैंटेसी टीम्स बना रहे हैं तो आज के इस मैच में दिनेश कार्तिक, विराट कोहली, फाफ ड्यूप्लेसिस, देखिए आज फाफ ड्यूप्लेसिस का बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ शिवम दुबे, वहीं पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार ये आते हैं 50 रन बनाते हैं और फिर आउट हो जाते हैं, वहीं पर रचिन रविंद्र और रविंद्र जाडेजा अच्छे विकल्प हैं, इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं। गेंदबाजों और ऑलराउंडर्स की बात करेंगे तो कैमरन ग्रीन, यश दयाल और तुषार देशपांडे आपको आज अच्छी विकेट लेकर के पॉइंट दिला सकते हैं, तो इन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करिएगा। इसी के साथ आज के मैच और टॉस प्रेडिक्शंस की बात करेंगे तो देखिए फिलहाल जो फाइनल रिपोर्ट है वो तो खैर आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, चाहे वो टॉस की हो या मैच की, सभी रिपोर्ट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों अगर प्रेडिक्शंस की बात करेंगे तो अभी के लिए जो टॉस प्रेडिक्शन है ये आरसीबी और मैच प्रेडिक्शंस भी है आरसीबी, ठीक है। बाकी मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा कि इस वाले मैच में भले ही देखिए दोनों बड़ी टीमें हैं, इमोशंस भी आपके बीच में आएंगे, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि रेन अफेक्टेड मैच है, ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें क्योंकि इसके बाद अभी भी 4-5 मैचेस और बचे हैं, तो वहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट जो है कमाने का मौका मिलेगा। बाकी जो कुछ भी रिपोर्ट है मैं आपको बता दिया हूँ, बाकी चेंजेस या अपडेट होंगे तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करवा दूंगा, एंट्री वगैरह सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी शाम को मिलते हैं सीधा टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ़।